युवक कांग्रेस के संगठन चुनाव में इंटरव्यू को लेकर सियासत गर्मा गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक कृष्णा घाटगे ने कांग्रेस पार्टी को चेतावनी देते हुए कहा कि मैं देखता हूं संगठन के कैसे इंटरव्यू होते हैं। जब कांग्रेस के कार्यकर्ता 15 सालों तक सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे तभी दिल्ली के कांग्रेस नेता कहां थे? इंटरव्यू लेना है तो विधायक और सांसद के इंटरव्यू लें। संगठन चुनाव को लेकर कांग्रेस में इंटरव्यू की खबर आते ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में काफी रोष पैदा हो गया है। इंटरव्यू को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। सिंधिया समर्थकों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि वे किसी भी हालत में इंटरव्यू नहीं होने देंगे। 15 सालों तक सड़कों पर उन्होंने संघर्ष किया है, तब ये दिल्ली के नेता कहां थे जो आज इंटरव्यू लेने के लिए आ गए? प्राइवेट कंपनी समझ कर रखा है क्या? इंटरव्यू लेना ही है तो विधायक और सांसदों का लें। कृष्णा घाटगे ने कांग्रेस को चैलेंज देते हुए कहा कि हम कोई इंटरव्यू नहीं देंगे और ना ऐसा होने देंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व को पत्र लिखने से कुछ नहीं होता है। मैं प्रदेश अध्यक्ष पद का दावेदार हूं। जब हमने विधायक पार्षद सांसद के लिए टिकट मांगा था तब कहां थे इंटरव्यू लेने वाले? अब झोला लेकर इंटरव्यू लेने आ रहे हैं। राजनीति में कब से इंटरव्यू होने लगे? पूरे मध्य प्रदेश में एक गुटबाजी खत्म करने वाला यह चुनाव था, क्योंकि एक साधारण व्यक्ति भी चुनाव लड़कर प्रदेश अध्यक्ष बन सकता था। उसी के मद्देनजर हम लोगों ने अपनी मेंबरशिप कराई थी हजारों की तादाद में। आज हमको सुनाई में आ रहा है कि एक फोन आता है कि कल आपको पीसीसी आना है और यहाँ पर इंटरव्यू देना है। मुझे समझ में नहीं आता है कांग्रेस पार्टी इंटरव्यू प्रणाली कहाँ से लेके आ रही है। यदि इंटरव्यू कराना है तो विधायकों के इंटरव्यू कराएं, सांसदों के इंटरव्यू कराएं। ये कौन सी बात होती है कि यूथ कांग्रेस के जो हजारों मेंबरशिप जिन लोगों ने करी है, आप इंटरव्यू में किसको पास करोगे, किसको फेल करोगे, कौन जाते थे आप लोगों ने देखा हुआ है। अब कोई एक व्यक्ति दिल्ली से आएगा, हमसे 4 सवाल पूछेगा, हमको फेल करेगा या पास करेगा, ये कोई प्राइवेट कंपनी समझ के रखिए क्या? हम ऐसे सारे इंटरव्यू का विरोध करते हैं और हम ना ऐसा इंटरव्यू देंगे और ना हम ऐसा इंटरव्यू को होने देंगे। और यदि ऐसा इंटरव्यू होता है तो हम इसका विरोध करते हैं। और कम से कम मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का दावेदार हूं, यदि ऐसा इंटरव्यू होता है तो मैं नहीं दूंगा। ये मुझे चुनाव लड़ने नहीं दें या दें ये इनके हाथ में, देखते हैं क्या करते हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।